This conference will now be recorded. अध्यक्ष निवासर अथवा मंदवासर वैशाख कृष्ण तृतीया चतुर्थी च दिनांक 29 मे 2021 टेस्ट पेपर पृष्ठ क्रमांक 3। शंखं चक्रं जलं तां चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिगत्या शुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितट विलसत् चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिल गतवन प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयादेषु पूजिता अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं कृतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामः। ॐ शांति शांति शांति। तो महत्वाकांक्षा और मत्सर तो कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, एम्बिशियस बहुत ज्यादा होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अगर वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में सफल होते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये अगर नहीं होता है तो ये बहुत ही बड़ा डिप्रेशन इस प्रकार का बन जाता है और फिर दुख का कारण बन जाता है। तो ये देखना चाहिए कि जो हमने उद्दिष्ट सामने रखा है उसके लिए हम काबिल है, परिस्थिति अनुकूल है वगैरह वगैरह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उद्दिष्ट बनाने हैं, तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा। नहीं तो अच्छा होता है कि छोटे छोटे उद्दिष्टों को पहले करें और वो पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो बड़े उद्दिष्ट रख सकते हैं और परिस्थिति अनुकूल होनी चाहिए, दैवानुकूल होना चाहिए, ये भी बातें इसमें आवश्यक इस प्रकार की है। दूसरों का मत्सर करना ये भी काफी जगह देखा जाता है और हेतव ईर्षित फले न तो ये जो वाग्भट ने सलाह दी है वो सबसे अच्छी सलाह है कि अगर मत्सर करना ही है तो जिन कारणों से दूसरों को श्रेष्ठता प्राप्त हुई उन कारणों का मत्सर करो, वो अपने में ले आने के लिए कोशिश करो लेकिन फल के बारे में मत्सर इस प्रकार का मत करो। तो ये एक बात इसमें अहम इस प्रकार की राग लवकर ये तो आलस व्यक्त हो तो व्यक्त करता ये नहीं। तो गुस्सा जल्दी आता है क्या, ये एक बात, आने पर व्यक्त होता है या नहीं, और अगर व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो भीतर ही जलते रहते हैं। तो एक तो गुस्सा आना नहीं चाहिए, ये सबसे अहम है,
और आने पर किस तरीके से व्यक्त करना है, ये एक अलग चीज है। दूसरे की समझ में आए कि उसको गुस्सा आया है, उसके बारे में गुस्सा आया है, लेकिन ये समझाने में ऐसा होना चाहिए कि दूसरे का मन पूरा टूट नहीं जाना चाहिए। उसके बारे में हमारे विषय में क्रोध निर्माण होना, हमारे विषय में तिरस्कार निर्माण होना, ये बात नहीं होती। अगर हमारा गुस्सा सही कारण के लिए है तो वो कारण उस तक पहुंचना चाहिए, और वो किस तरीके से व्यक्त करना ये भी एक अलग बात है। लोगों का आविर्भाव व्यक्ति भाव इस प्रकार का होता है कि वो दूसरों को तोड़ देते, नाकाव्य मस्ति वृद्धस्य नावाच्यम अपगृह्यते। वृद्ध व्यक्ति के लिए अकार्य भी कोई नहीं है, अवाच्य भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। और उस अवस्था में उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं होता, उनका गुस्सा और बढ़ जाता। तो ऐसे लोगों से कैसे डील करें, ये आवश्यक बात है। अनुनय, ये बात ग्रंथों में कही गई है, लेकिन ये अनुनय करना यानी कि क्या बात है? क्रोधम अनुनय न, इस प्रकार का बताया गया है कि अनुनय से क्रोध को जीतो, इस प्रकार से। लेकिन अगर गुस्सा करना ही भूल है, या गुस्सा करना, व्यक्त करना जिस तरीके से लोग व्यक्त करते हैं वो ही एक भूल है, तो जितनी जल्दी वो गुस्सा करने वाले व्यक्ति ये बात समझ जाए उतना अच्छा रहेगा। काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है, और इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, खास करके पैरालिसिस जैसी बीमारियां, इस प्रकार का गुस्से का नतीजा हो सकती है। और जो लोग जिद्दी होते हैं कि नहीं, मेरा ही कहना होना चाहिए, मैं जो कहूंगा वही होना चाहिए, इस प्रकार से उनको पैरालिसिस होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की होती है। तो इसको हम हेकेको मराठी में कहते हैं। तो इस प्रकार और नहीं होता है, जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं होती है, तो फिर गुस्सा हो जाता है, ये इसमें एक अहम देखा जाता है। तो इसके बारे में लोगों में जागरूकता करना, और गुस्सा कैसे कम करें, गुस्सा आने पर उसको कंट्रोल कैसे करें, ये सभी बातें सीखना जरूरी इस प्रकार का है। और व्यक्त होता है तो भी प्रॉब्लम है, व्यक्त नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम है। तो सबसे बढ़िया मार्ग है कि इस तरीके से व्यक्त हो कि दूसरा दूसरा व्यक्ति समझ जाए कि इसको गुस्सा है, इस कारण से आया है, और वो कारण टालने के लिए वो व्यक्ति प्रयास करे और ये व्यक्ति भी फिर से ये मत करना, ऐसा कहकर उस विषय को छोड़ दे। क्योंकि हम समझते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं दूसरे की सुधर नहीं है, और फिर गुस्सा पड़ता है, इस प्रकार का करना पड़ता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सध्याच्या आपल्या स्थितीबद्दल जीवनात समाधानी आहात का? आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक? तो समाधान एक बहुत अलग चीज है, और निर्वृत्ति संस्कृत शब्द इसके लिए एक प्रयोग में लाया जाता है। कृतकृत्यता, ये संतोष तृप्त अगर आदमी है तो नींद आने में तकलीफ नहीं है, निद्रा संतोष तृप्त से सोम कामन नादि। और ये एक अहम मुद्दा है, एक तीन उपस्तंभों में से एक महत्वपूर्ण है। और अगर हम असमाधानी इस प्रकार के रहेंगे हाँ, तो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस प्रकार से हम केवल दुख की बात करते रहेंगे। तो इसमें दो मुद्दे हैं, थेविले अनंते तैसे चिरावे, चित्ती असुजावे समाधान, ये एक मुद्दा है कि जिस अवस्था में परमेश्वर ने हमें रखा है उसी अवस्था में हम रहे और चित्त में समाधान रखे। जो अवस्था है हमारे हिसाब से, जिनकी अवस्था और बिकट है और कष्टदायक इस प्रकार है, उनकी तरफ देखो,
और फिर उनकी तुलना से हमें पता चलेगा कि उनसे हम बेहतर अवस्था में हैं, काफी बेहतर अवस्था में। तो सिर्फ एक समाधान रहेगा कि ठीक है, इससे भी बहुत बेकार अवस्था में लोग रहते हैं, तो उससे तो ये ज्यादा अच्छा है कि मेरे पास ये है वो है। दूसरी चीज ऐसे बोलते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो तरक्की के लिए प्रयास ही नहीं, हम जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अगर हम समाना नहीं रहेंगे तो और कुछ पाने की हम कोशिश ही नहीं करेंगे, और उससे बेहतर इस प्रकार की स्थिति को हम जाएंगे नहीं, प्राप्त नहीं करेंगे। बचपन में मराठी में एक निबंध था, एक लघु कथा थी अनंत काणेकर की, मोठा शून्य, ये 8वीं कक्षा में मैंने पढ़ी ना कि हमारे अध्यापक हमें कुछ समझा पाए, हम भी कुछ नहीं समझे। वहां पे उन्होंने मुद्दा उठाया था कि शून्य ये संख्या जो गणित में है वो कम ज्यादा इस प्रकार की नहीं है, बड़ी छोटी इस प्रकार की, 5 से 5 गए गए तो भी शून्य ही है, 5000 से 5000 गए तो भी शून्य। तो उन्होंने सर से पूछा कि 5000 से 5000 गए तो जो शून्य उत्पन्न होता है वो 5 से 5 गए तो उस संख्या से बड़ा होना चाहिए, मोटा शून्य। तो टीचर ने उनकी बात टाल दी, मूर्खो ऐसा नहीं, शून्य शून्य ही होता है, तो 5 लाख से 5 लाख गए तो भी शून्य ही। लेकिन उसने उन्होंने आगे बहस की थी कि नहीं ये अलग अलग है। हाँ, हम गरीबी में है, आमदनी हमारी 20 रुपये है और खर्चा भी 20 रुपये है। अमीर हो गए, अच्छी स्थिति आ गई, मिडल इस प्रकार की स्थिति आ गई, मध्यम स्थिति, अब हमें 100 रुपये मिल रहे हैं और 100 रुपये खर्च, और अब 500 मिलने लगे, 1000 मिलने लगे, तो भी जितने मिल रहे उतने जा रहे हैं, फिर भी हम ऐसा समझते हैं कि आर्थिक दृष्टिया हम संपन्न इस प्रकार के। वो एक समाधान उसका आता कि पहले मैं पैदल जाता था, साइकिल पे जाता था, मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ, कार में जा रहा हूँ, विमान से जा रहा हूँ, वगैरह। तो इसका मुझे समाधान है कि जिस अवस्था में मैं था उस अवस्था से लेकर मैं कहाँ पहुंच गया इस प्रकार। तो ये एक होता कार्वर में एक बात बताई गई है, मीणा गवांडकर के बारे में, मीणा गवांडकर ने लिखी है कि कार्वर जिस स्थिति को पहुंचा उसके बदले में वो कहाँ से उस स्थिति को पहुंचा, ये ज्यादा महत्व, ये गुलाम रहा किसी धन संपन्न व्यक्ति के यहाँ, उन्होंने उसका उसके साथ गुलाम जैसा बर्ताव नहीं किया, उसको पढ़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई और फिर वो बड़ा साइंटिस्ट इस प्रकार का बना। तो जिस अवस्था से, गुलामगिरी की अवस्था से एक बड़ा साइंटिस्ट बनने तक का जो प्रवास है वो निश्चित रूप से समाधान देने वाला इस प्रकार। माशेलकर जी की भी बात ऐसी है, एक छोटे देहात से लेकर पूरे विश्व भर में प्रख्यात हो जाना एक साइंटिस्ट के रूप में। मराठी मीडियम में पढ़े हैं शुरू में, और अभी भी मराठी बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं, वो मातृभाषा इस प्रकार की है। अरुण निगवेकर है, या ये अनुर्जा आयोग के अनिल काकोडकर, ये सब मराठी है, और कहाँ से कहाँ इस प्रकार के पहुंच गए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किस अवस्था से हम निकले और कहाँ तक पहुंचे, ये मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रकार का है। अगर आप किसी बड़े घर में, आपका जन्म हुआ है, आपको सब सुख सुख सुविधाएं मिली है और सब फैसिलिटीज मिली है, विदेश में जाकर शिक्षण पाना भी पॉसिबल हो गया है और आप उच्च पदस्थ हो गए,
तो ये अलग बात है, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात अलग है, कहां से कहां पहुंचे ये अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें निश्चित रूप से समाधान होना जरूरी इसका। तो लेकिन कहीं भी हम पहुंचे और आगे भी जाना है तो भी समाधान होना बहुत जरूरी। अगर समाधान नहीं होगा तो हम दुखी रहेंगे। तो इसलिए आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या कौटुंबिक क्षेत्र में अगर असमाधान किसी भी तरीके का है तो एक अहम मुद्दा बन जाता है दुख के लिए और रोगों के लिए। तो हमें इन सभी बातों के बारे में ध्यान में रखना है। और एक शिवराज बोरले की एक किताब है मदद जगावे कसे, तो उन्होंने कहा है कि कैसी भी स्थिति हो हमें आनंद से रहना चाहिए। और हम खामखा ही दुखी होते रहते हैं, हम खामखा ही असमाधान इस प्रकार का। और हम एक क्षुद्र जीव है वगैरह ये बात छोड़ देना। उनका गोदी माडगुलकर का जो प्रख्यात काव्य है बरातड़े के लिए मकुरे बड़ी करती लीला, उसका आशय और उसका कॉन्टेक्स्ट पूर्ण तरीके से अलग है। जगत जगह छपा में ये काव्य है। और इनका कहना है शिवराज बोले क्या हम क्या कीड़े मकोड़े हैं, हम इतने क्षुद्र जीव तो है नहीं। इस प्रकार से हर एक की सोच अलग अलग इस प्रकार की रहेगी। खरे तर पति पत्नी यांची महत्वाकांक्षा समाधान मांगण्याची वृत्ती या गोष्टी वेगवेगळ्या असतील तर एकमेकांवर सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य बिघडवणारे ठरतात असे म्हणता येईल की दुसऱ्या इच्छा आधार दुसऱ्याची इच्छा आधार कारण ठरू शकतो। सही है। अभी स्त्री मुक्ति ये जो आंदोलन हुआ और यहाँ पे ये कर्वे महर्षि कर्वे दोनों केशव कर्वे और ज्योतिबा फुले और बाकी बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए, विदेशों में भी ये हलचल मची। और अभी हम देख रहे हैं कि सभी क्षेत्र में स्त्रियां है, किसी भी क्षेत्र कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें स्त्रियों का योगदान नहीं है। लेकिन उनका जो एक क्षेत्र परिवार से सीमित इस प्रकार का था वो उस क्षेत्र से बाहर आ गई, पैसा कमाने लगी, प्रतिष्ठा कमाने लगी वगैरह। इस प्रकार ये होने से उनकी एक तरीके से तरक्की हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ परिवार व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। बच्चों का ध्यान किसको रखना है? एक नेचुरल अफिनिटी जो है नैसर्गिक प्रेम वो माता और बालक इसमें होता है। अगर वो छूट जाए और बालक पर कोई भी इस प्रकार का प्रेम नहीं करे, उसके लिए समय नहीं दे, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। और फिर अगली पीढ़ी जो है वो पूरी स्त्रियों के हाथ में है और ये टूटने लगी है, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई है। तो उसमें बुजुर्ग व्यक्ति घर में नहीं है और माता पिता दोनों ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों की तरफ, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का माहौल होता। और फिर इसलिए यह हम सब कर रहे हैं, सुख और समाधान के लिए कर रहे हैं, और सुख और समाधान हम खो बैठ रहे हैं। तो ये करने का मतलब है अभी इतना हो सकता है कि मॉडेस्ट अप्रोच होना चाहिए, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक घर पे ही ध्यान देना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। अगर बुजुर्ग घर में है और वो ध्यान देते हैं तो अलग चीज है, लेकिन बुजुर्ग अगर घर में नहीं है तो बेटर ऑप्शन है कि माता जो है घर पे रहे और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे थोड़े स्कूल जाने लगेंगे तो फिर करियर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। बच्चों में
बच्चों की परवरिश करना ये भी एक इन्वेस्टमेंट है और जो अच्छा फल आगे देती है। विदेशों में 13-14 बरस का बस लड़का या लड़की होने के बाद उसको घर से बाहर निकलना, खुद के पैसे कमाने हैं और शिक्षा चालू रखनी है। बहुत सारे लोग शिक्षा छोड़ देते हैं और थोड़े ही धन पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। विदेशों में जो भारतीय गए हैं हाँ, वो अच्छा खासा कमाते हैं क्योंकि पूरे एजुकेशन यहाँ पूरा करके जाते हैं या फिर वहां पे एमएस कर लेते हैं, तो ये ज्यादा शिक्षित होते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं। हाँ, लेकिन इस सभी में अगर समाधान नहीं रहेगा किसी भी दृष्टि से तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। और हमारा समाधान किस चीज में है ये देखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सर का समाधान आर्थिक स्थिति में ही हो। ज्यादातर लोग समझते हैं कि दादा श्रीमान बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे तो सा दादा सुख मिलेगा, ये मूर्खता है। जितना पैसा कमाओगे उतना दुख बढ़ेगा, इसी प्रकार से। तो जितना हमारे जीवन व्यापार के लिए आवश्यक है उतना तो कमाना जरूरी है। उसके बारे में सुविधे योगक्षेम इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन उससे भी आगे अगर हमें लोभ रहेगा कि नहीं मुझे और कमाना है और कमाना है, तो उससे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो समाधानी वृत्ति है या नहीं है ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और जो है जिसमें समाधान रख के आगे की तरक्की के बारे में सोचना है। और जैसे मैंने कल बात की थी, अतः ऐसे न आत्मानं कुर्यात् अतो समुच्यतम् पातो यथाहि दुःखाय नोत्साहाय सुखाय। बहुत कष्ट करके प्रयास करके अपने के ऊंचे स्थान पर ले जाने की कोशिश मत कर, क्योंकि वहां से पतन ज्यादा दुखदायक है और उतना ऊपर जाना ज्यादा सुखकारक है। तो हर एक को अपने जीवन के मकसद के बारे में सोचना है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरे बैकग्राउंड क्या है। अभी हमारे यहाँ तो जाति धर्म वगैरह ये सब बातें भी ध्यान में रखनी है। हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, मेरी पढ़ाई क्या हुई है, मेरी शारीरिक क्षमता कैसी है और परिस्थिति कैसी है, आजू बाजू में परिस्थिति कैसी है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ और जो मैं करूँगा उसमें मुझे समाधान मिलेगा या नहीं। अगर समाधान है तो ही आगे बढ़ना है, अगर समाधान नहीं है, केवल मेरे माता पिता की इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं और इसलिए मैं आ गया और मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो भी मुसीबत वाली बात हो जाती है। हाँ, और ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो अपना हम जो करना चाहते हैं वो बच्चों के द्वारा पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी गलत इस प्रकार का है। और दूसरी भी बात सही है कि 12वीं कक्षा जब उत्तीर्ण होती है तो छात्रों को मालूम ही नहीं रहता अच्छा क्या है बुरा क्या है और किसमें ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। और फिर लोग इसमें जा रहे हैं, कंपनी इंजीनियर में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं भी उसमें जा रहा हूँ इस प्रकार से। और उसमें अगर दिलचस्पी नहीं निर्माण होती तो ये पूरा जीवन असमाधान इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में सोचना है और खास करके 10वीं होने के बाद, क्योंकि वहां साइंस आर्ट्स कॉमर्स इसमें से चुनना है कुछ इस प्रकार से। और फिर 12वीं के बाद कौन से कोर्सेस है क्या है इस सभी के बारे में सोचना है। इतने का नाम हो रहे सभी के बारे में सोचना है। और उसी प्रकार शादी करते समय किस प्रकार का जोड़ चाहिए उसके बारे में बहुत शांति से विचार करके निर्णय लेना जरूरी इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम किस तरीके से समाधानी रहेंगे, ये मुद्दा अहम है। अगर असमाधान
इस प्रकार का रहेगा वो खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए दुख कारक क्लेश कारक हो जाता है। तो ये स्वास्थ्य समाधान है या नहीं है ये देखना, अगर नहीं है तो असमाधान कैसे दूर करेंगे उसके बारे में सोचना जरूरी। नसल्यास कोणत्या बाबतीत का ते बदलण्यासाठी आपण प्रयत्न करता। तो अगर मान लेते हैं कि असमाधान है तो किस क्षेत्र में और किस दृष्टि से असमाधान है, आर्थिक सामाजिक कौटुंबिक और भी कुछ प्रकार के हो सकते हैं। मैं ये बनना चाहता था, माता पिता ने जबरदस्ती मुझे इसमें डाला और मुझे समाधान नहीं है उसमें इस प्रकार से। तो कोई भी करियर के बारे में असमाधान में कह सकता है। तो जो असमाधान है उसको बदलने के लिए आप प्रयास करते हैं या नहीं करते। अगर केवल असमाधान व्यक्त करते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। असमाधान जिस चीज का है उसमें से बाहर कैसे निकले और समाधान कैसे प्राप्त करें इसके बारे में सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना। तो वो बदलने के लिए आप प्रयास करते हैं या नहीं करते है? जब ये सवाल पूछा जाता है तो लोग विचार करने लगते हैं, अरे सचमुच मैं इसके लिए कुछ प्रयास कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मैं केवल अपने नसीब नसीब या फिर अपने जो कर्म किया है उसको ही कोसता रहूंगा या आगे कुछ करने का प्रयास करूंगा। पुलटकर सर ने भी देखा कि वातावरण जो है वो बिल्कुल विपरीत है और प्रतिकूल इस प्रकार का है तो असमाधान है इसके बारे में कि वातावरण बिल्कुल प्रतिकूल है, समाज समझ नहीं रहा है क्या चल रहा है इस प्रकार से। अब ऐसी स्थिति में उसको बदलने की कोशिश करे या उससे उसको पूछते रहे। सर ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ पूछते नहीं रहे, उन्हें मार्ग ढूंढा कि क्या करना चाहिए। तो मैं इससे असमाधानी हूँ, प्रेजेंट जो सिचुएशन है उससे असमाधानी हूँ, उसको बदलना चाहिए। तो बदलना चाहिए तो क्या होगा? तो केवल बीए में सोने से छात्र को आयुर्वेद आता नहीं है, छात्र आयुर्वेद सीखता नहीं और कॉलेज में आयुर्वेद रहा नहीं है। तो अगर छात्रों को बदलना है तो कॉलेज से बाहर कुछ प्रयास करना। फिर सर ने उनके धर्म चैतन्य में लेक्चर्स आरंभ किए छात्रों के लिए और फ्री थे, पैसे देने देने को कोई सवाल इस प्रकार का नहीं था। तो छात्र आने लगे, फिर सर मूल ग्रंथों का पाठन करते रहे, टीकाओं के साथ अध्यापन करते और लोगों को प्रैक्टिस में जाने के लिए प्रोत्साहन देते रहे कि नहीं तुम प्रैक्टिस सीखो, ये केवल पुस्तक की विद्या नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइंस है। ये काफी लंबा मार्ग था फिर भी वही सही मार्ग और उसी मार्ग पर मैं भी चल रहा हूं। जब कोलटकर सर का देहांत हो गया और मुझ पर यह त्रिस्कंद कोष की जिम्मेदारी आ गई तो मैं त्रिस्कंद कोष और प्रैक्टिस इसमें जुड़ा रहा। प्रैक्टिस उसमें कम रोल था क्योंकि समय ही नहीं था, तो सिर्फ शाम को 6:30 बजे से 9:30-10 बजे तक प्रैक्टिस और बाकी टीम का काम, ऐसा ही माहौल था। लेकिन जब मैंने टीमवी से इस्तीफा दे दिया और फिर सोचने लगा कि कोलटकर सर ने क्या किया था, मैं भी असमाधानी था उस परिस्थिति के मुकाबले में, अभी की परिस्थिति काफी अच्छी है, सुधरी है और ये कोलटकर सर के प्रयासों का फल है। लेकिन फिर भी जितनी मात्रा में हमें सुधरनी चाहिए उतनी तो सुधरी नहीं है। तो इसको आगे किस प्रकार से मोड़ दे सकेंगे? तो मैंने गुरुकुल के बारे में सोचा और फिर गुरुकुल प्रारंभ हुआ 2009 में और ये एक अहम स्टेप रही कि ऑनलाइन वाचन चल शुरू हो गया और उसके जरिए भी पूरे भारत भर के लोग इसमें जुड़ गए। ये भी एक अहम मुद्दा। अभी भी गुरुकुल मैं चाहता हूँ कि भारत के स्तर पर या वैश्विक स्तर पर होना चाहिए।
अभी महाराष्ट्र में और सिर्फ पुणे में और थोड़ा सा कुछ नासिक में वगैरह इस प्रकार का चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हम चलाते हैं इस प्रकार से नहीं चलाया जाता। तो मूल ग्रंथों का ही अध्ययन होना है, ये इसमें एक अहम मुद्दा है, और टीकाओं का आधार देना है। तो संस्कृत, आयुर्वेद और प्रैक्टिस, ये तीनों का मिलाप उसमें जरूरी है। ये है तभी हम मूल रूप से लोगों को पढ़ा सकेंगे, वो लोग मूल रूप से सीख सकेंगे, उनकी तरक्की होगी। और प्रैक्टिस में, संशोधन में, सिखाने में बदलाव आएगा, और फिर अगली पीढ़ियां अच्छी निकलेगी। ये उसके पीछे एक विचार था, वो यशस्वी हुआ। गुरुकुल से जो छात्र जिन्होंने एमडी किया, कॉलेज में लग गए, प्रैक्टिस करने लगे, तो उनके जरिए माहौल अभी बदल रहा है। और ये केवल महाराष्ट्र में होना जरूरी नहीं है, पूरे भारत में होना है, पूरे विश्व में होना है। तो जो कुछ हुआ है उसके बारे में समाधान है, और आगे क्षितिज तो हमारे सामने काफी बड़ा है, तो इन सभी के बारे में प्रयास करते रहना। हाँ, ये मेरे भी जीवन का मकसद बन गया है। नई संहिता की आवश्यकता है, ये भी मेरे सामने एक मकसद आया। प्रातिपदिक, उसके लिए प्रातिपदिक कोष की संकल्पना की, उसका कार्य आरंभ किया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो है उसके बारे में समाधान रखना, और जो हम बदलना चाहते हैं अभी भी जिसके बारे में हम असमाधानी है, उसके बारे में कैसे सोचना है, उसके बारे में कैसे प्रयास करने हैं, ये देखते रहना चाहिए। और जैसे कहानियों में वसा होता है, गिरला वसा, उच्चिल माखी गिरला वसा पाटन जैसे, इस प्रकार से तो ये व्रत है वास्तव में, और इस व्रत को सभी को आगे बढ़ाना है। केवल मैं ही अकेला प्रयास करता रहूं और बाकी देखते रहे, फायदा उठाते रहे, ऐसा नहीं होना। तो हर एक की ये जिम्मेदारी है। गुरुरु नाम की चीज होती है, जो मैं मानता हूं कोलटकर सर ने मुझको गुरु ऋण सौंप दिया, और मैं दूसरों के ऊपर ये सौंप रहा हूँ कि ये बढ़ता रहे और ज्ञान बिखरता रहे, और दादा 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 से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचते रहे, ज्ञातनों तक पहुंचते रहे। और वो सभी अपने अपने तरीके से इसका प्रचार प्रसार करते रहे, इसका प्रयोग करते रहे, और जो है इसमें समाधान होते हुए भी असमाधानी वृत्ति भी होनी है कि ये फिर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो इसके लिए प्रयास करना है वगैरह वगैरह। तो हम जो कुछ, जो भी कुछ कर सकते हैं, वो हमें करते रहना चाहिए, और उस दृष्टि से कुछ ना कुछ समाधान, असमाधान होना चाहिए। लेकिन सदैव असंतुष्ट रहे ये भी बात नहीं होनी है, समाधान भी होना है, और आगे चलकर इसके जरिए प्रयास करते रहने चाहिए। तो ते बदलने का अपन प्रयत्न करना चाहें, तो इसमें ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि इसको बदलने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें जरूर प्रयास करने हैं इस प्रकार से। पूर्वीच्या चुकांबद्दल अपराधीपणा जाणवतो, ये भी एक अहम मुद्दा है कि जो गलतियां पूर्व काल में हुई है उसमें गिल्ट होना, अपराधी भावना होना, ये एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन उसको दोहराते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं, उससे सबक सीखना है। और ये हो गया, ये गलती हो गई, अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना है। अगर ये केवल हम अपराधी हैं, अपराधी है, हमसे बड़ी गुण हो गई, ऐसे ही सोचते रहेंगे, या अगर सोचते रहेंगे तो उससे दुखी होता रहे। हाँ, कहीं ना कहीं रुककर ऐसा करना है कि नहीं, अब ठीक है, ये जो हो गया वो हो गया, अब आगे कैसे करना है। भूले सभी से होती है,
टू अर इज ह्यूमन, ये कहावत है कि गलती करना ये मानव जाति का स्वभाव इस प्रकार का है। केवल हमारा ही नहीं है, जो भी सजीव है वो गलती करते रहते हैं। सिर्फ ऐसा है कि गलतियों से सीखना जरूरी है। गलतियों से अगर सिर्फ गलती हुई ऐसा दोहराते रहेंगे और उसके बारे में दुख करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो सुधार होने के लिए ये गिल्ट आवश्यक है, लेकिन सिर्फ गिल्टी करते रहेंगे और सुधार नहीं लाएंगे तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो पंडित शिव शर्मा ने नियमित अभ्यासक्रम को समकक्षता होनी चाहिए, जो प्रतिष्ठा एलोपैथी का डॉक्टर को मिलती है वही प्रतिष्ठा उतनी तनख्वाह आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को भी मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने बीएमएस का जो अभ्यासक्रम है वो एमबीबीएस जैसा बना, क्योंकि यह समकक्षता समिति होती है और वो क्या देखते हैं, वो टेक्निकल देखते हैं, यहाँ कितने वर्षों का कोर्स है उतना ही होना, यहाँ डिवीजन कैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी प्रकार इसमें भी मिली है, फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, हमारे यहाँ भी शरीर रचना शरीर क्रिया होना चाहिए। तो इसमें हुआ ऐसे, उनका उद्दिष्ट अच्छा था उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की खासियत उसमें से निकल गई। मूल ग्रंथों का अध्ययन यह आयुर्वेद की खासियत थी, क्योंकि हमारे पास समृद्ध ज्ञान भंडार है जो एलोपैथी में नहीं है, वो तो बार बार बदलने वाला साइंस है, और आज एक कहेंगे कल दूसरा कहेंगे परसों और कुछ कहेंगे, ये इस प्रकार सा सिलसिला एलोपैथी में चलता ही रहता है। आयुर्वेद की स्थिति वैसी नहीं है। तो आयुर्वेद जिन सिद्धांतों पर निर्भर है वो शाश्वत है। स्वयं आयुर्वेदा शाश्वत निर्दिष्ट है, अनादिपात स्वभाव उसमें सिद्ध लक्षण प्रभाव स्वभाव निर्दिपात, ये बात चर्चा चलेंगे उनकी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मूल ग्रंथों का अध्ययन प्रचलन में रहना चाहिए। जब उनके बात ध्यान में आई कि अरे मूल ग्रंथ से हम दूर जा रहे, तो फिर उन्होंने अष्टांग संग्रह फर्स्ट ईयर में और चरक संहिता सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में रखी, लेकिन तब तक पूरा जो अध्यापक वर्ग है वो एलोपैथी से चकित विस्मय चकित किस प्रकार का हो गया था। सभी लोग एलोपैथी की प्रैक्टिस करने लगे थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे आयुर्वेद के कॉलेजों में, और वो जो नहीं कर रहे थे वो प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, सिर्फ तनख्वाह मिलती उसके ऊपर गुजारा करना इस प्रकार से करना। तो ऐसे हालात में आप कितनी भी अच्छी संहिता रखो, कितने भी टेक्स्ट रखो, अगर वो पढ़ाने वाली व्यक्ति नहीं है तो वो क्या करेगी? तो छात्रों तक ये ज्ञान कैसे पहुंचेगा, ये एक अहम मुद्दा है। और फिर बाद में शुरू हुआ कि नहीं एक ग्रंथ निकाल दो तो कोई संबंध नहीं है, जो जो विषयांश है उसमें ग्रंथ का जितना पार्ट लेना है वो ले लेंगे, बाकी ग्रंथ के बारे में सोचना नहीं। अब ये मुद्दा कैसे हो सकता है कि ग्रंथ ने कुछ बातें फिजूल लिखी है उसका कोई संबंध नहीं है, कुछ बातें अच्छी लिखी है वो लेना है और बाकी जो बातें हैं उनको अनदेखा करना है इस प्रकार से, ये तो मूर्खता हुई। मूल ग्रंथों का हर सूत्र अगर महत्वपूर्ण है इसीलिए उन्होंने लिखा है, तो हम कैसे इन सूत्रों को छोड़ देंगे और केवल थोड़े थोड़े चुनिंदा सूत्र लेकर उसके आधार पर काम करेंगे? वो भी नहीं लिए जाते, वो भी अलग चीज है, उतना तो कम से कम होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ है। और इस तरीके से होने के कारण अभी की जो पीढ़ियां बन रही है कॉलेज में,
उनको मूल ग्रंथों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और मूल ग्रंथ पढ़ने हैं, टीकाएं पढ़नी है, उससे विषय समझ लेना चाहिए, ये बात ही नहीं है। तो इसमें परिवर्तन लाना एक काफी अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और संस्कृत एक भाषा है, भाषा एक माध्यम है, यहाँ एक माध्यम बनने के बजाय वो एक कठिनाई समस्या हो गई है हमारे लिए, कि वो माध्यम तो नहीं रही, लेकिन अरे बाप रे, संस्कृत भाषा में हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे समझेंगे। और इसलिए संस्कृत विषय रखा गया फर्स्ट ईयर में, लेकिन उसका भी उपयोग लोगों ने जैसे 10वीं 12वीं कक्षा में संस्कृत का एक मार्क्स प्राप्त करने के लिए अच्छा तरीका, अच्छा विषय इस प्रकार से ले लेते हैं, ट्रांसलेशन रख के लिख देंगे, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं संस्कृत में, तो स्कोरिंग अच्छा होता है। ये उद्दिष्ट था ही नहीं संस्कृत पढ़ाने का। और पढ़ाने में भी क्या सब्जेक्ट रखी, ये भी एक चीज है। पंचतंत्र और प्रारंभिक पाणिनि नियम वगैरह, प्रारंभिक पाणिनि नियम तो अभी आया, पहले तो सिद्धांत को था। और जिस छात्र ने कुछ भी संस्कृत पढ़ा नहीं है, केवल 12वीं में बायोलॉजी लेकर उत्तीर्ण हुआ है और अच्छे मार्क पाकर बीएमएस में एडमिशन ले ली है, जब पहले सब अंग्रेजी मीडियम में जिनकी शिक्षा हुई है, उनके लिए ये सभी बातें मुश्किल है किस प्रकार से संस्कृत समझना। मैं जब पढ़ाता था तो पहले 3 महीने में 8वीं 9वीं 10वीं का व्याकरण ही पढ़ाता, ये बाकी बातें छोड़ो, पंचतंत्र जैसे की बातें छोड़ो। तो वो पढ़ाने के बाद अगर ये पंचतंत्र वगैरह सब पढ़ाना है और व्याकरण पढ़ाना है संस्कृत का, ये तो और भी गंभीर बात है। और नो डाउट पाणिनि का व्याकरण बढ़िया है, इसमें जो बुद्धि चातुर्य है उसके बारे में कोई संदेह ही नहीं, लेकिन किसके लिए पढ़ना है, इसको संस्कृत का कुछ भी गंध नहीं है, उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। तो उसका मकसद जो है कि मूल ग्रंथ पढ़ते हैं लोग, छात्र पढ़ेंगे, ये तो साध्य नहीं हुआ और फिर उसको निकाल दो, तो ये बात सामने आई, ग्रंथ पढ़ते ही नहीं, अध्यापक भी पढ़ते नहीं है, संहिता सिद्धांत वाले अध्यापक भी पढ़ाते नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, पढ़ाते भी अपवाद होंगे लेकिन नया अपवाद ही है, संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट की ये स्थिति है तो बाकी डिपार्टमेंट के बारे में क्या कहें। तो इसमें सुधार कैसे लाए, ये एक अहम मुद्दा है। मेरा एक कहना था कि ये जो हम सुबह इस प्रकार से करते हैं, इसमें सभी अध्यापक, सभी पीजी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाए। मैंने ये बात जयंती पुजारी से भी कही थी, उनका एक कहना रहता है या शासकीय कहना रहता है कि मुफ्त करो, तो मुफ्त भी करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुक्त होने के बावजूद भी कितने लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये ज्ञान क्या चीज है, इसके फायदे क्या है, इस प्रकार से ये समझाने वाले कोई अध्यापक नहीं है, ये समझाने वाले कोई प्रैक्टिशनर्स नहीं है, तो वो कैसे इसमें जुड़ जाएंगे। अभी विलोक से मेरी बात हुई थी, उसका कहना था कि केवल लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन भरते हैं 365 रुपया, 600 रुपए से भी कम है, तो उनको पहले वाले जो है सभी रिकॉर्ड वो उपलब्ध हो जाए, जो चाहते हैं कि मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, जो अभी फिलहाल चल रहा है उसी में मैं ज्वाइन था, तो उसके लिए कुछ पैसे नहीं, जिनको पहले वाले चाहिए वो 365 रुपये भरकर मेंबरशिप ले जाए, ले ले, और फिर उसी के आधार पर कोर्स को चलाए, चाहे वो कम लोग हो, 70-80 लोग हो, कि जो इस प्रकार से चाहते हैं कि लाइब्रेरी का मुझे फायदा उठाना है इस प्रकार से। लेकिन मुक्त होने के कारण लोग आ जाएंगे, ऐसा भी बताना मुश्किल है।
मूल रूप से इसमें रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। रुचि तब उत्पन्न होगी जब लोग इसको सुनेंगे, उसको प्रैक्टिस में बदलाएंगे, बदल लाएंगे उसके जरिए, तो रुचि उत्पन्न होगी। और रुचि उत्पन्न होगी तो 600 रुपये बरस के लिए है या 365 रुपये बरस के लिए है, एक मामूली चीज है। और रहती बात है कि सुबह जल्दी होता है, 6:30 बजे होता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से तो कैसे उठेंगे इतनी जल्दी, रात को देर से सोते हैं। तो मेरा कहना है कि इसीलिए तो मैं जल्दी करता हूँ ताकि आप इसमें ज्वाइन हो जाए, जल्दी उठने की आदत डालें। जो नए छात्र है वो भी उसमें शामिल हो जाए। तो ये अगर माहौल बनेगा इस प्रकार से तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। कुछ लोग परिवर्तन लाएंगे और ये पढ़ने की सीखने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे उतना आयुर्वेद संबंधी माहौल बदलता रहेगा, समाज में मत परिवर्तन इस प्रकार का। और फिर जो हमारा मकसद है कि आयुर्वेद प्रथम पसंदीदा वैद्य होना चाहिए पूरे विश्व भर में, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल की स्थिति में हम हमारे देश में भी आगे नहीं है। और वे COVID-19 वगैरह की बात जो चल रही है, आयुर्वेद का आयुर्वेद को उसका उचित स्थान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो जितना मौका मिले, जैसी संधि मिले, वैसे करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि YouTube चैनल पर नई मुलाकातें डालेंगे, वीडियोस करेंगे। थर्ड वेव चैलेंजेस और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन चैलेंजेस, इन दोनों के बारे में हमारे दृष्टि से क्या करना है ये बताएंगे, मराठी हिंदी अंग्रेजी में बताएंगे। वैसे हमने आयुर्योग गुरुकुल एक एस्टेब्लिश की है यूट्यूब चैनल, तो उस पर कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पिछले लोगों ने ये नहीं किया इसलिए आज की नौबत आ गई, ऐसा सिर्फ कहने से, असमान व्यक्त करने से कुछ नहीं होता। जब तक हम खुद कुछ कुछ कदम नहीं उठाते, सोचते नहीं कैसे करने का है आगे, तब तक केवल पूर्व लोगों को दोष देने से कुछ नहीं होता। जैसे भी हो, जिस स्तर पर भी हो, हम अगर उसके बारे में प्रयास करते रहेंगे तो परिस्थिति में बदलाव आएगा, हमारी उन्नति होगी, ये सब बातें होंगी। तो मैंने आज तक कुछ नहीं किया, ये सिर्फ अपराधी होना बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। आगे मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में सभी को सोचना। अभी मैंने वो गूगल डॉक में फॉर्म आया है नहीं आया मैंने देखा नहीं है, कल तक मैंने सुझाव रखा था कि जो प्रातिपदिक कोष वगैरह कार्यों में जुड़ना चाहते हैं उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया है नहीं बताया है, इस प्रकार से मैं देख लूंगा। और जिस तरीके से हम इसमें योगदान दे सकते हैं उस तरीके से हमें सोचना है, हमें अपने को खुद प्रयास करने हैं, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मना भी तो तड़जोड़ करने की तैयारी असते का तड़जोड़ तरा भी लागने सतत त्रास की तीव्रता।
अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता पड़ती है, ये नहीं होगा, इसी तरीके से आगे जाएंगे। तो ऐसे हालात में हमारी मन की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, जो है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो ये मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है और ये कॉम्प्रोमाइज में नहीं करता हूँ, करता तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, मैं अपने तरीके से कुछ कर पाता वगैरह वगैरह। तो ये बातें नहीं सोचनी है, इस प्रकार से नहीं सोचनी। कॉम्प्रोमाइज करना ही है तो कैसे कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ पे करना है, उसके बारे में सोचना। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था रक्त प्रबंध की केस की, बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा था, हीमोग्लोबिन 500 भी नीचे आ गया। अब ये केस पूरी तरीके से एलोपैथी में सौंप दें, उनका जो हार्मोनल ट्रीटमेंट वो करें, या फिर एलोपैथी के डॉक्टर का कहना था पहले खून चढ़ाओ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, आप भी आगे देखें। तो रक्तों में आपके ऐसे रखते ना, हमारे शास्त्र में भी है, ये कॉम्प्रोमाइज करना ही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद ब्लीडिंग रुक गया और फिर आगे भी नौबत नहीं आई, वायरल धातु क्षय को धातु क्षय से वात प्रकोप और धातु क्षय की आपूर्ति होने से वात का शमन और नई वाता दूते योगी रामारी नाम संबंधित समय वात बनने से पूजा दूत से लिखे जाए, ये जो बात बताई गई है। इस सूत्र का प्रत्यय इसमें आ गया, तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है तो कहां पे करें, ये आम मुद्दा इसमें उठता है। और जो हमारे शास्त्र संगत हो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक खाना है तो सबसे प्रयास हमारा होना चाहिए कि सभी ऑर्गेनिक ही चीजें खाएं, बिना ऑर्गेनिक कुछ लाए ही घर पे। लेकिन दूसरों पे घर के घर पे गए हैं, कॉम्प्रोमाइज के रूप में कुछ खाना है इस प्रकार से, तो रोटी सब्जी खाओ बाकी मत खाओ। तो कॉम्प्रोमाइज कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचना है। और कॉम्प्रोमाइज करने पर उसका दुख नहीं होना चाहिए, अरे मुझे इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो उसकी तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी की COVID-19 सिचुएशन है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कि एक्टिव मरीज की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा, तो छोड़ दो, आपको जो मौका मिल रहा है उसके लिए तो करो। जो भी मरीज आपके पास आ रहा है, किसी अवस्था में आ रहा है, चाहे माइल्ड सिम्टम्स हो चाहे थोड़ी सीवियर सिम्टम हो, होम आइसोलेशन में हो, अस्पताल में हो, आईसीयू में हो, जो भी आपके पास आ रहे हैं उनको न्याय देने की कोशिश करो। उनके बारे में हम किस प्रकार से ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, ये सोचो। तो आगे इसके भी बढ़िया केसेस आते रहेंगे, चैलेंजिंग केसेस आते रहेंगे और हम उसको भी वही माती क्लिक कर पाए। तो इसमें मायूस होने की बात नहीं है, क्या रे मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर पाता इस प्रकार। जो भी मौका मिला है उसका फायदा, मैं भी ये सोचता था कि त्रिस्कंद कोष का काम हम जब कर रहे थे तो उसने इतनी बाधाएं थी कि ये बाधाएं अगर नहीं होती तो हम इससे भी बढ़िया काम कर पाते, लेकिन ये बात नहीं होती, बाधाएं आती ही रहती है। और प्रातिपदिक कोष का काम करेंगे या फिर नई संरचना के बारे में सोचेंगे तो भी बाधाएं आती ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि ये अब इतना अनुभव है वगैरह वगैरह तो सुचारू रूप से सभी काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर भी अगर वहां पे कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कॉम्प्रोमाइज करने की तैयारी,
रखनी है और आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में सोचना है। एकटेपणा जाणवतो तो का गोंधळल्यासारखे वाटते, ये भी एक अहम मुद्दा है कि अकेलापन महसूस होता है, मेरे लिए सहायता करने वाली कोई दूसरी व्यक्ति नहीं है और मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। अगर आपको स्पष्ट रूप से इस प्रकार की अनुभूति होती है तो आदमियों को ढूंढो, व्यक्तियों को ढूंढो कि इसमें जो योग्य मार्गदर्शन कर सके ऐसी कौन से व्यक्ति है, मिलेंगे। अगर आप ढूंढेंगे तो आपके व्यक्ति मिलेंगे, अगर ढूंढेंगे ही नहीं इससे इस प्रकार की मोह की अवस्था में रहोगे तो नुकसान होगा। और ये अकेलापन जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा ही अकेलापन रहेगा तो उससे काफी नुकसान इस प्रकार का होगा। तुरुंग में एकांतवास की सजा दी जाती है और जब आदमी अकेला इस प्रकार का पड़ जाता है तो वो अपना सारा सार विवेक खो बैठता है, क्या सही मार्ग है क्या गलत मार्ग है ये सोचने वाले बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोगों ने कारावास में होते हुए भी अपना सारा सार विवेक खोया नहीं। लोकमान्य तिलक है, स्वातंत्र्य सावरकर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एकांत होने के बावजूद उन्होंने उस एकांत का अच्छे काम के लिए उपयोग किया। गीता रहस्य लोकमान्य तिलक ने लिखा, इन्होंने कमला काव्य लिखा, सावरकर ने कमला काव्य लिखा, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से हम मार्ग कैसे निकालेंगे इसके बारे में सोचना है। प्रवर सत्व होगा तो ही ये बात। शिवाजी महाराज की भी यही स्थिति है कि आगरा से छुटकारा पा लेना ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी जब इतना बड़ा पहाड़ा बाहर है, इतने बड़े सैन्य का पहाड़ा है, फिर भी उसमें से निकल बाहर निकल पड़ना और अपने सभी आदमियों के साथ बाहर निकल पड़ना, ये उत्तम प्रशासक का लक्षण है। सिर्फ ये जो कोरडे त्रिंबक कोरडे और दूसरे कोई, ये लोग दो लोग पकड़े गए बादशाह के बाद और उनको काफी पीड़ा हुई। बाद में महाराज ने उनको भी छुड़वाया बादशाह, तो बाकी सभी लोगों के साथ वो बाहर निकल गए पूरे मुगल सल्तनत से। कितना बड़ा प्लानिंग है, कितनी बड़ी सोच है और कितना धैर्य है। तो इन सभी से हमें सीखना है कि वहां तो मृत्यु का खतरा था, हमारे यहाँ तो मृत्यु का तो खतरा नहीं है। तो इन सभी बातों के बारे में सोचकर ये उदाहरण सामने रखते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता होना है। अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो लोगों को ढूंढो, नहीं तो अकेलेपन का फायदा उठाओ। और कंफ्यूज स्टेट नहीं होनी चाहिए। ये बहुकाले की एक किताब है अपन सारे अर्जुन, मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगी थी शुरू में, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि अर्जुन को जिस प्रकार का मोह था उसी प्रकार का मोह हम सभी लोगों को, क्या करे क्या नहीं करे इसके बारे में बहुत बड़े बड़े संदेह है इस प्रकार का। उसमें से बाहर निकलना है तो हमें अच्छी तरीके से सोचना है कि परिस्थिति क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, अभी के स्थिति में कौन सा मार्ग श्रेयस्कर इस प्रकार का है, और ये सब सोचने के बाद उस मार्ग पर चलना है। केवल मार्ग सोचने से फायदा नहीं, ठीक है। अगले गुरुवार को आगे बढ़ेंगे, सोमवार को चरक को लेकर आएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित शल्य तंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतो यम निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वांछन पुनरपि भुवने कांच सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो विनूनं।
वैद्यवर्गो ही नूनं, शांति शांति। गरम में थे देखने का परशवा मेरे को मिली शाना। आज रात को मेरा लेक्चर होगा ये कौन सा ग्रुप है, एचएलए ग्रुप पर, हेतु लिंगा औषध के ग्रुप पर, अग्नि का अगला व्याख्यान।